हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाईटेक बिल्ड सॉफ्टवेयर। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे आईएमआई नंबर कैसे ऐड करते हैं। अगर आपकी मोबाइल शॉप है तो आप सॉफ्टवेयर में आईएमआई नंबर भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाकर इन्वेंट्री आइडेंटिफायर में आपको सीरियल नंबर ऐड करना होता है। सीरियल नंबर के साथ आपको आईएमआई नंबर भी अवेल करना होता है। देन आप क्लोज कर दीजिए सेटिंग। देन आपको मास्टर में जाके ऐड प्रोडक्ट करना होता है। आपको यहाँ से अपना प्रोडक्ट कोई ऐड कर लीजिए, आपका मोबाइल का प्रोडक्ट। देन आपको परचेज आईएमआई नंबर जो है परचेज बिल से ऐड कर सकते हैं। अगर आपका न्यू प्रोडक्ट है तो आप ऐड परचेज बिल कीजिए, आपका ओल्ड प्रोडक्ट है तो आप ऐड स्टॉक एडजस्टमेंट से भी ऐड कर सकते हैं आईएमआई नंबर। पहले हम न्यू का देखते हैं। जब हम ऐड परचेज बिल करते हैं, यहाँ पे हमारे परचेज बिल में आपको परचेज टाइप सेलेक्ट करना होता है, जीएसटी, नॉन जीएसटी, डेट, सप्लायर नेम। जैसे हम सप्लायर का कोई नेम सेलेक्ट कर ले सकते हैं, जैसे टेस्ट ले लेते हैं। देन हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, हमारा Y51 ले लेते हैं। देन Y51 का वन क्वांटिटी हमने परचेस किया है, इसको ऐड कर दीजिए। इसमें आपको डिस्काउंट और शिपिंग ऐड करना, आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके सप्लायर ने आपको प्रोवाइड किया है। पेमेंट मोड चेंज कर सकते हैं, अगर उन्होंने आपको कुछ आपने उनको एडवांस पेमेंट दिया है तो आप एडवांस पेमेंट डाल दीजिए। देन सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में आपको आइटम नेम में क्लिक करना होता है। देन यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप एमआरपी डाल दीजिए। हम जैसे 20,000 आते हैं, इसका सेलिंग प्राइस हम 18,000 डाल देते हैं और इसका मिनिमम सेलिंग प्राइस 16,000। हम 1001 ले लेते हैं, IMI नंबर 1, IMI नंबर 2, 1002 ले लेते हैं। एंड इसका सीरियल नंबर हम 1012 ले लेते हैं। इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा ऐड परचेज बिल सेव्ड हो गया। परचेज बिल को आपको चेक करना है तो सर्च एंड मैनेज परचेज बिल में जाके यहाँ से आप इसको अपडेट डिलीट कर सकते हैं। देन अगर आपके पास ओल्ड स्टॉक है, ओल्ड स्टॉक का आपका IMI नंबर ऐड करना है तो आप परचेस में जाके ऐड स्टॉक एडजस्टमेंट कर लीजिए। यहाँ से आप प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए। हम सेम प्रोडक्ट ले लेते हैं, मेरा वीवो का Y51। एक स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास ऐड है जो हमने परचेस बिल से ऐड किया, हम एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं। उसको सेव कर देते हैं। 101 स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे गया, हम इसको सेव कर देते हैं। देखिए 2 हो गए। देन यहाँ से आप सीरियल नंबर सेलेक्ट करके, जैसे हम इसका यहाँ पे हम 19,000 लेते हैं, 18,000। हम सीरियल नंबर इसका 1013 ले लेते हैं, IMI नंबर 1003 और IMI नंबर 2 1004। देन इसको सेव कर दीजिए। ये हमारा सेव्ड हो गया। देन हमारा न्यू इनवॉइस, आप यहाँ से भी परचेज बिल और न्यू इनवॉइस कर सकते हैं। सेल में जाके न्यू इनवॉइस कर सकते हैं। न्यू इनवॉइस में आप यहाँ से बिल सेलेक्ट कर सकते हैं, जीएसटी, नॉन जीएसटी, बिल नंबर, डेट, प्लेस। कैश अकाउंट जो होता है आपका ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है। क्लाइंट अकाउंट जो होता है आपका क्रेडिट पेमेंट होता है। आप यहाँ से क्लाइंट की डिटेल ऐड कर सकते हैं। आपको सीरियल नंबर से कोई प्रोडक्ट सर्च करना, आप सीरियल नंबर से भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट से ऐड करना तो आप प्रोडक्ट से ऐड कर लीजिए। देखिए हमने ये 2 प्रोडक्ट ऐड किया था, देखिए हमने डिफरेंट प्राइस ऐड किया था, हमारे 2 प्रोडक्ट है। हम ये वाला ऐड कर लेते हैं, इसको आप ऐड कर दीजिए। देखिए हमने इसका डिस्क्रिप्शन भी आया, सीरियल नंबर, बैच नंबर, सभी सारी चीज़ है। हम इसको सेव एंड प्रिंट कर देते हैं। सेव एंड प्रिंट से पहले अगर आपको सोल मैम अपने कोई स्टाफ का नाम ऐड करना है तो आप स्टाफ का नाम भी ऐड कर सकते हैं, किसने बिल जनरेट किया, स्टाफ की डिटेल आप स्टाफ से ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ डिस्काउंट ऐड करना, आप डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। आपको रेफरेंस ऐड करना, PO नंबर, इंक्वायरी नंबर, आप वो ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ शिपिंग चार्जेस ऐड करना, शिपिंग चार्जेस ऐड कर सकते हैं। डिलीवरी टर्म दे सकते हैं, पेमेंट मोड चेंज करना या डबल पेमेंट आप वो भी कर सकते हैं। देन आप सेव एंड प्रिंट कर दीजिए। सेवन प्रिंट, ये देखिए सारी चीज़ प्रिंट हो गया। अगर आपको यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, टेम्पलेट चेंज करना है, आप टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल, SMS, WhatsApp, PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं।
एंड एडिट कंपनी डिटेल से आप यहाँ से बैंक डिटेल, टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी का लोगो से बिल पे ऐड कर सकते हैं। आपने जो भी बिल जनरेट किया अगर आपको चेक करना है तो सेल में जाके सर्च एंड मैनेज इनवॉइस में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से इसको अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई कर सकते हैं आपका। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।